हाय गुड मॉर्निंग गाइस, रेडी सीखने के लिए तैयार हैं? आज लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के क्लास में रेडी हैं तो जुड़ जाइए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले हमारे चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्वेश्चन बनता किससे किससे है, W से बनता है और H से बनता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल में देख लीजिए W से क्या क्या बनता है, तो who, what, whom, whose, when और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। एच से बनेगा हाउ, इस टाइप से बनते हैं ना क्वेश्चन। इसके अलावे गाइस, हेल्पिंग वर्ब्स जो मैं आपको करवाता हूं पिछले क्लास में भी एक बार फिर से बोलिए, इज एम आर, वॉज वेयर, हैज हैव हैड, डू डिड डज, Shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स भी ये रहेगा। हेल्पिंग वर्ब्स, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए आप कि ही इज करेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहां इज जो है हेल्पिंग वर्ब, यहां इज, अब यहां ऐसे लिखेंगे इज ही करेक्ट, क्या हुआ सही है, क्वेश्चन बन गया। ही इज करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है वो क्वेश्चन बन जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइट, क्वेश्चन नहीं है। राइट के तीन मीनिंग होते हैं, बताएंगे आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स में। राइट मीन्स अधिकार भी होता है, राइट मीन्स दायां भी होता है, और राइट मीन्स सही भी होता है। यहां पे सही होगा मीनिंग राइट का, यहां पे तो सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप समझ जाइएगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब एम, इज एम आर, तो यह है ना हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां इज था हेल्पिंग वर्ब, यहां पे एम है। अब एम को यहां लाते हैं स्टार्ट में, एम आई राइट, यहां मैं सही हूं, यहां पे जैसे ही आया एम आई राइट, एम आई राइट, क्वेश्चन बन गया, क्या मैं सही हूं। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे W से आप पूछते हैं हु, तो सेंटेंस बनता है ना, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर भी होता है, वेयर, वेयर अभी नहीं लिखाया, वेयर, और भी बताएंगे W से, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो, वेयर से भी। और व्हेन, व्हेन मीन्स कब भी होता है, व्हेन मीन्स जब भी होता है। ओके, तो ये सब डिटेल्स करेंगे बाद में, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब्स पूरा तैयार कर लीजिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, और W से बनते हैं, H से बनते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह का डिटेल्स हम बताते रहेंगे आपको। मनु इज अ बॉय, सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज, इज मनु, एम जो है नाम होता है ना, प्रॉपर नाउन होता है, बताएंगे डिटेल्स आपको आगे। अभी तो परिचय दे रहे हैं सभी का, ग्रामर का, तो मनु
तो मन्नु जो कैपिटल लेटर से होगा इसलिए कि प्रॉपर नाउन है, किसी लड़का का नाम है या प्लेस का नाम होता है तो प्रॉपर नाउन कैपिटल ही होगा, वो बीच में होगा या स्टार्ट में होगा। इज मन्नु अ बॉय, मन्नु एक लड़का है। इज मन्नु अ बॉय, क्या मन्नु एक लड़का है, ये बन गया क्वेश्चन। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुआ क्यों क्वेश्चन बन गया। ये दोनों पॉइंट्स ले लीजिए, फिर मैं आगे जस्ट बताऊंगा आपको बस तुरंत प्रीपोजिशन पे, वो बहुत जरूरी है, आपको प्रीपोजिशन का क्लास दूंगा। और ध्यान रखिएगा कहीं किसी से मिलिए तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जरूर बोलिए, और अलग होते समय बोलिएगा ओके, इतना जरूर सीख लीजिए, ओके हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ये ए को अ बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, अकेला हो तो ए, अगर अकेला रहे किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स हैं, ए अगर अकेला है तो अ पढ़ते हैं उसको, ओके। जैसे हैव अ नाइस डे, ही इज अ बॉय, माय फादर इज अ डॉक्टर, तो ए को अ बोलेंगे, ओके। और ए ऐसे लिखा हुआ, अकेला लिखा हुआ ऐसे, तो ए पढ़ेंगे, ओके okay, ध्यान रखिएगा ये सभी थोड़ी छोटी छोटी बातें सीखना जरूरी है। ये आज मॉडर्न इंग्लिश के लिए इज को भी सीख लीजिए आप, क्योंकि बोलना सीखना भी जरूरी है। इज, आई एस इज होता है ना, तो इज बाज ये कैपिटल से लिख दिए, स्मॉल में ऐसे देखिए ई और ज जो लिखे हैं ज, तो इस पे ऐसे जहां बिंदु पड़ा तो ये हो गया ज, स और ज का बीच का ज, इज इज इज, My father is a doctor, is ऐसे, ओके ठीक है। अगला टॉपिक चेंज करते हैं अब प्रीपोजिशन के क्लास में, ओके हैव अ नाइस डे। बोलिए मेरे साथ, कहीं किसी से अलग होने लगी दिन में, ध्यान रहे सूर्यास्त से पहले, ओके ब्रिटिश इंग्लिश वाला ये ओके, और ग्रीक इंग्लिश अलग है ओके, उसका मीनिंग होता है ओरल करेक्ट, वो रिटन में यूज होता है, लिखने में बताएंगे आगे फिर, ठीक है। अभी यहां पे देख लीजिए ये स्पोकन में मतलब बोलने में यूज होता है, ओके ऐसे बोलते हैं, हैव अ नाइस डे, इसको और शॉर्ट में बोलते हैं हैव अ नाइस डे, ऐसे किसी से अलग होइए, ओके हैव अ नाइस डे सर, मैम रहे तो हैव अ नाइस डे मैम, हैव अ नाइस डे अंकल, हैव अ नाइस डे आंटी, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ओके गाइज हैव अ नाइस डे, थैंक यू।